आम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बिलों पर फैसला सुना दिया है और अपीलें मंजूर कर दी गई हैं। अहम खबर आपको इससे अपडेट करें कि अपील मंजूर कर दी गई है, फैसला सुना दिया गया साइफर केस में और तफसीलात के मुताबिक साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें अब मंजूर कर ली गई हैं। ये खबर सामने आई है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। साइफर केस में ये अहम पेशरफ सामने आई है, चेयरमैन पीटीआई बरी, ये फैसला जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसला अब से कुछ देर बाद आएगा, लेकिन अभी ये फैसला सामने आया है। क्या डिटेल्स हैं जानते हैं, ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला जो है साइफर केस में अपीलें जो दायर की गई थी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जाने से, उन अपीलों का महफूज फैसला जो है सुना दिया है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को इस केस में, साइफर केस में बरी कर दिया है। सजा के खिलाफ जो अपीलें दायर की गई थी उनको मंजूर कर लिया गया है। शदीद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है कारकुनान और वकला की जाने से बानी पीटीआई के हक में। जैसे ही महफूज शुदा फैसला सुनाया गया और जो जजेस हैं वो आए और उसके बाद महफूज शुदा फैसला सुनाया गया, उसके बाद जैसे ही बरी किया गया बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को, तो वकला और कारकुनान जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे रहनुमा, उनकी जाने से शदीद नारेबाजी भी की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का भी इजहार किया गया। कमरा अदालत में नारेबाजी की गई, जिसके बाद जो पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार थे तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को कमरा अदालत से बाहर निकाला गया और अब जो है कारकुनान बाहर मूव कर रहे हैं। लिहाजा फैसला जो है वो सुना दिया गया है दो रुकनी बेंच की जानेब से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दोनों वकला जो प्रोसिक्यूटर थे एफआईए के, उनकी जाने से भी आज दलायल मुकम्मल किए गए और सलमान सफदर जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील थे उनकी जाने से भी दलायल जो है वो मुकम्मल किए गए, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला जो है सुना दिया गया है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को और दोनों की जो सजाएं हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं और इस केस में फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है ट्रायल कोर्ट का और दोनों मुल्जिमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बरी कर दिया गया है साइफर केस में। जी ठीक है, आदिल ये बताइएगा कि सजा तो मुअत्तल कर दी है, क्या बरी करने का भी कह दिया गया? बिल्कुल, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने बाकायदा एक्विटल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है, जिसका यही मतलब है कि दोनों मुलजमान को बरी कर दिया गया है इस केस में। जैसे ही ये फैसला जो है वो सुनाया गया तो कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से शदीद खुशी का इजहार किया गया, नारेबाजी भी की गई, लिहाजा फैसला जो है अब सुना दिया गया है। अब से कुछ देर कबल ये फैसला मैं